पार्टी के सांसद डॉक्टर सफीकुर रहमान बर के बाबरी मस्जिद ही है और बाबरी मस्जिद ही रहेगी के विवादित बयान के खिलाफ बीजेपी नेता राजेश सिंघल ने पलटवार किया है। संभल में बीजेपी नेता राजेश सिंघल ने समाजवादी पार्टी के सांसद सफीकुर रहमान बर के विवादित बयान पर पलटवार करते हुए बयान दिया है कि अयोध्या में राम मंदिर था और श्री राम मंदिर ही रहेगा। बीजेपी के नेता राजेश सिंघल ने यह भी कहा है कि ये देश सरगत या शरारती तत्वों के आधार पर नहीं है, बल्कि ये देश संविधान, भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म की संस्कृति और सरकार की नीतियों के आधार पर चलेगा। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर सवाल उठाने वाले और सांप्रदायिकता का जहर घोलने वालों पर सरकार अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। देश में अब कमजोर सरकार नहीं है, दुनिया की कोई ताकत राम मंदिर बनने से नहीं रोक सकती। उसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय आने के बाद श्री राम जन्मभूमि स्थान पर जाकर भूमि पूजन कर शिलान्यास किया।